The saddest thing about copying someone is you pick up, you because you can't pick up the finer nuances, you pick up the obvious ones. And when you pick up the obvious ones, you're left with sounding like a poor man's whoever you're trying to emulate. खुद का सिंगिंग स्टाइल कैसे डेवलप करें? आप एक सिंगर हैं, तो आप एक गजल सिंगर बनेंगे, भजन सिंगर बनेंगे, फिल्मी गाने गाने वाले हैं, क्लासिकल सिंगर बनेंगे या ठुमरियाँ गाएंगे? किस चीज़ के लिए आप प्रसिद्ध होंगे या क्या चीज़ आपके अंदर सबसे बेहतर है और आपका सिंगिंग स्टाइल जो है वो कैसे डेवलप किया जाए? पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि मेरा अपना क्या ओपिनियन है इस पर और मैं कैसे परसीव करता हूँ सिंगिंग स्टाइल्स को या एक सिंगर को एक ये टैग लग जाए कि ये इसकी सिंगिंग स्टाइल है, ये ऐसे गाता है, ये ऐसे गाता है, वो जो न्यूआंसेस हैं, वो जो बारीकियाँ हैं मैं किसी सिंगर में पकड़ूँ, है ना, तो वो क्या ज़रूरी हैं, कितनी ज़रूरी है और क्यों होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा मैं पूरे वीडियो में करने जा रहा हूँ। फुल वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो देखोगे आधी अधूरी बात समझोगे, तो पूरा ही वीडियो देख लेना। गर शराब पियो, गर शराब पियो, बढ़िया पियो। ज़्यादातर अपने वीडियोस में मैं यही पॉइंट बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा। देखता कोई नहीं है, आधा अधूरा वीडियो देखकर इवन टाइटल पढ़ के ही सीधा कमेंट कर देते हैं। तो ऐसे महानुभावों के से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, पूरा वीडियो देखा करें, मैंने समझाई होती है पूरी बात आगे। तो खुद की सिंगिंग स्टाइल डेवलप करनी है आपको, आप एक सिंगर बनना चाह रहे हैं, तो देखिए सिंगिंग स्टाइल डेवलप करने से पहले आप सीखना शुरू करते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, तो मैं एक रोमांटिक नॉवलिस्ट हूँ, एक हॉरर स्टोरी लिखने वाला आदमी हूँ, या सस्पेंस ज़्यादा लिखता हूँ, या थ्रिलर्स लिखता हूँ, मर्डर मिस्ट्री लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, ये मेरा एक जो छाप मुझ पे लगती है, क्या वो शुरू से होती है? क्या मैं वही बनना चाहता हूँ तो मैं उसी हिसाब से सीखता हूँ क्या, कि मुझे हॉरर लिखना है, कि वो मेरा फेवरेट जॉनर है तो मैं उसकी तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है, मैं पढ़ता हॉरर ज़्यादा हूँ मान लो, और मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं अगर राइटिंग सीखना चाहता हूँ कि कैसे लिखी जाती है हॉरर कहानियाँ, तो क्या मैं उसी की चीज़ें जानूँगा? हाँ भी और ना भी। कैसे? जब आप सीखना शुरू करते हैं तब आपके ऊपर कोई टैग नहीं होता, तब आपका कोई शेप नहीं होता, आप निराकार होते हैं एक तरह से। आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो वही स्वर, वही लय, वही ताल की बारीकियां जानते हैं आप, वही रागदारी जानते हैं आप, साज वही सारे सीखते हैं, उसके बाद जाके उसमें कहीं एक स्टाइल नाम का कोई चीज़ डेवलप होती है। आप गज़ल भी सीखते हैं, आप भजन भी सीखते हैं, आप ठुमरी भी सीखते हैं, आप राग में बड़ा ख्याल छोटा ख्याल द्रुपद सब चीज़ सीखते हैं, द्रुत तराना चतुरंग हर चीज़ सीखते हैं, उसके बाद कहीं जाकर ये चीज़ मालूम चलती है कि आपके अंदर की स्पेशलिटी क्या है। एक्सप्लोर करना पड़ता है आपको अपने आप को। जब हम पढ़ाई में भी कर रहे हैं कि यार मैं आगे जाके 11th में मुझे स्ट्रीम बदलनी है, तो क्या मैं मैथ्स चुनूं या साइंस चुनूं, मैं कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं, इस सब के लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है ना खुद को, और ख़ुद का आंकलन करना पड़ता है कि व्हाट इज़ दैट आई एम बेस्ट एट, ऐसा क्या है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा, मेरा पोटेंशियल सबसे ज़्यादा खिल के आता है। अपने आप आपको मालूम चल जाता है कि यार फिर तो मुझे ये गाना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक क्लास में एग्जाम्पल दिया था इस चीज़ का कि गज़ल बरसों से लोग गा रहे थे, और बेगम अख्तर साहिबा गा रही हैं, या उसके बाद मेहरी हसन खान साहब ने गाई, गुलाम अली जी ने गाई, उसके बाद धीरे धीरे जगजीत साहब ने गाई, क्या इनकी गायकी में कुछ बदलाव नहीं था? आप अगर देखेंगे तो बेगम अख्तर जी जो गज़लें गाया करती थी उसमें और जगजीत साहब की गज़लों में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो क्या था वो फ़र्क, या कैसे उन्होंने डेवलप किया? वही बारीकियाँ उन्होंने भी सीखी होंगी संगीत की जो इन्होंने सीखी, तो इन्होंने क्या ऐसा एक्स्ट्रा किया? इन्होंने किया फ्यूजन, इन्होंने लगाया अपना दिमाग। जब मेहदी हसन खान साहब ने गज़लों को परस्यू किया, क्योंकि वो बहुत बरसों तक क्लासिकल गाया करते थे, शास्त्रीय गायक थे, उसके बाद जब उन्होंने गज़लों को परस्यू किया, गज़लें गाना शुरू किया, तो उन्होंने उसमें क्लासिकल इन्वॉल्व किया,
क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत के साधक रहे हैं, तो उन्होंने उसी अंग की गज़लों को बनाया। ग़ुलाम अली जी ने क्योंकि ठुमरियाँ, टप्पा, दादरा वो सब बहुत सीखा, क्लासिकल भी सीखा और ये सारा भी बहुत कुछ गाया, तो उन्होंने अपनी गज़लों में वो मिलाया। साथ ही साथ उन्होंने थोड़ा वेस्टर्न भी मिलाया, कॉर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया। देन व्हेन वी कम टू जगजीत सिंह साहब, उनका अगर एनालिसिस करते हैं तो उनकी गायकी में भी यही हुआ कि उन्होंने गज़लों को थोड़ा आम फहम बनाने की कोशिश करी कि लोग, आम जनता भी सुन पाए। तो उन्होंने रागदारी तो रखी ही रखी, लेकिन फिर भी राग का उतना डिटेल इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, उन्होंने उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक इस्तेमाल किया, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए और साथ ही साथ थोड़ा हल्का, लाइट किया, सरल किया अपनी कॉम्पोजिशन को, अपनी गायकी को। और फिर भी इतना सरल नहीं है, मैं सरल तो यूं कह रहा हूँ कि आम इंसान गा सकता है, लेकिन उनकी गज़लों को अगर क्लासिकल वाले सुन के गाते हैं ना तो उनको पता चलता है कितना मुश्किल है वो काम। कोई सरल नहीं है कि आप कह दो कि मेहदी हसन साहब की तो गज़लें बड़ी मुश्किल है और जगजीत साहब की भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि वो दिखने में सरल लगती हैं लेकिन उसमें इतना नपा तुला हुआ काम जाता है। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आसान दिख रही हो वो आसान हो भी, है ना, उसको करने के बाद मालूम चलता है। तो वो चीज़, हाँ, बस ये है कि उसमें इतना क्लासिकल का इनपुट, गायकी इतनी क्लासिकल नहीं, इंस्ट्रूमेंट उतने क्लासिकल नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं कि आम इंसान को लग रहा है यार ये तो पुराने स्टाइल की गज़ल है, उन्होंने उसमें फ्यूजन किया। देन आप सोचिए, ये सब जब कर रहे हैं, ये सब कर चुके हैं गज़लों में, तो ऐसा नया क्या बचा है कोई इंसान कर सकता है। ऐसे ही स्टेज पर हरिहरन साहब आते हैं। हरिहरन साहब ने फिर क्या नया कर सकते थे वो कि वो गज़ल की दुनिया में एक नया नाम बनाते अपना। तो उन्होंने कर्नाटक म्यूज़िक, जैज़ म्यूज़िक, फ्यूजन म्यूज़िक, जो वेस्टर्न म्यूज़िक है उसको इस्तेमाल करके अपनी एक नई पहचान बना ली। AR रहमान साहब को देखिए, रहमान साहब का अगर आप म्यूज़िक देखते हैं तो उसमें कर्नाटक भी है, उसमें हिंदुस्तानी भी है, उसमें वेस्टर्न भी है। यानी कुछ नया करना पड़ता है आपको, तब जाके अपनी खुद की सिंगिंग स्टाइल डेवलप होती है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, हम लोगों से अडॉप्ट करते हैं, हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते, हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि यार हम अरिजीत सिंह साहब के गाने गाते रहेंगे। तो क्या होता है, हम अरिजीत सिंह साहब की ट्रू कॉपी बन जाते हैं। हम कुमार सानू जी के गाने गाते रहेंगे तो हम कुमार सानू बन जाते हैं। हम सोनू निगम साहब के गाने गाएंगे, हम सोनू निगम साहब बन जाएंगे। किसी एक फला व्यक्ति के गानों को रिपीट करते करते आप उसके जैसे बन जाते हैं। उसकी आवाज़, उसकी गायकी, वो आपके अंदर आती है। जो मैंने नायकी और गायकी के ऊपर जो वीडियो दिया था ना, वो यही तो था कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं, जब उसी के जैसा गाते हैं, उसी को गाते हैं, तो वही आप बन जाते हैं। फिर उसमें नया करने के लिए यू नीड टू फ्यूज़, आपको फ्यूजन करना पड़ता है, तब जाके आपकी खुद की सिंगिंग स्टाइल डेवलप होती है। एक छोटी सी क्लिप मैंने कहीं देखी थी जिसमें जो मशहूर सिंगर हैं बॉलीवुड के, शान, उनका इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने बोला कि अरिजीत सिंह जो सिंगर हैं उनकी वोकल का एनालिसिस उन्होंने किया, अपने सिंगिंग स्टाइल का एनालिसिस उन्होंने किया। तो बताया कि उसमें हल्का सा आतिफ असलम साहब भी नज़र आते हैं, लेकिन बाकी उन्होंने अपना योगदान खुद दिया है, अपनी गायकी को खुद बनाया। फिर अगर आप बी प्राक साहब को सुनते हैं तो उनकी गायकी में आपको फलां एक और सिंगर हैं जो नज़र आते हैं, तो यार ये इसमें वो दिखता है, इसका मिश्रण है, फिर इन्होंने नया किया। जैसे उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब की मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में, उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है उन्होंने अमान अली खान साहब से भी जानी चीज़ें और वो इन्वॉल्व किया। फिर उन्होंने अपने ही घराने का किसी और सिंगर को भी थोड़ा सा सुना तो उनको इन्वॉल्व किया। यानी मिश्रण करके कुछ नया बनाने की कोशिश करी, और यही तरीका है। आप कुछ भी नया, एकदम तो नया होने से रहा, क्योंकि कुछ भी एकदम नया नहीं होता है, बरसों से होता आया है, तो कुछ ना कुछ मिश्रण करके ही नया बनता है। तो खुद की सिंगिंग स्टाइल अगर डेवलप करनी है तो सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा ना, वरना स्टाइल कैसे डेवलप करोगे, अलग लाओगे कहाँ से जब कुछ सीखा ही नहीं आपने। आपने इंडियन, मैं हाल ही में एक स्टूडेंट को बता रहा था कि लोग सीखते ही नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री को। लोग जो कहते हैं ना कि हर दूसरा गाना तो वही माइनर स्केल पे होता है, वही गधनी कोमल लगाते हुए उसी में कॉर्ड्स का आसानी पड़ती है तो उसी से वो बना लेते हैं, वही गाना होता है, रागों का कोई बदलाव नहीं हो रहा है या तालों का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, पोइट्री वैसी की वैसी आ रही है, तो क्यों नहीं आएगी अगर लोग सीख ही नहीं रहे हैं। तो भाई कुछ नया तो तब आएगा ना जब आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने थाट जाने हैं, विभिन्न रागें जानी हैं, जो रहमान साहब अपने इंटरव्यूज़ में कहते भी हैं ना कि लोग मुझे थोड़ा सा यूँ समझते हैं कि मैं इंडियन क्लासिकल का बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञाता हूँ इसीलिए मैं शो ऑफ करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस लिरिक्स आर एक्चुअली पुलिंग मी इनटू अ रागमालिका, लाइक डिफरेंट राग्स फॉर डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट लाइंस। And I didn't want that to be like, oh, see, I know so many ragas and I'm going showing off, but it had to happen very organically. And जब वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं तो उन्होंने ये चीज़ बताई है कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइक मालखौंस में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ नया निकलेगा, तोड़ी में एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया निकलेगा, इमोशंस अलग निकलेंगे। I was trying to do something couple of days back and in Malkhons. Malkhons, okay. Malkhons is like, after a while it
you feel restless. Oh my God, same five notes? Come on, do something else. So the melody doesn't go out of the thing, but the chord can slightly slip away, do some secret things. Yes. So that is how you develop your music sense, your own music sense, your own music style, your own singing style as well. सीखना पड़ता है उसके लिए, एक्सप्लोर करना पड़ता है. गज़लें गाते हैं, क्लासिकल गाते हैं, जब आप शास्त्रीय संगीत गाते हैं ना, तब वहाँ देखिएगा आप ही की सिंगिंग स्टाइल डेवलप होती है, आपका उपज अंग कि राग अब आपके सामने है, नियम ये राग के हैं, आओ विस्तार करो. जैसे ही आप उसमें विस्तार करते हो, आपका अपना नया सिंगिंग स्टाइल निकल के आता है कि मैं इस तरह से गाता हूँ, मेरी आवाज़ का लगाव ये है, मेरा राग को समझने का नज़रिया ये है, लय ताल ये है. जैसे अलग अलग घरानों में देख लो, जो अगर आप कहते हो कि सिंगिंग स्टाइल, तो अलग अलग घरानों में जो मैंने घराने पर वीडियो दिया उसमें यही तो बताया था कि दे हैव देयर ओन म्यूजिकल थॉट्स कि सिंगिंग में आवाज़ का लगाव ऐसा होना चाहिए, इसमें स्वर ऐसे लगने चाहिए, राग का विस्तार इस ढंग से होना चाहिए, इसमें ताने होनी चाहिए नहीं, इसमें लय का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए, इसमें मेरखंड ज़्यादा होना चाहिए, उसमें खुली ताने ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी बड़ी ताने होनी चाहिए. तो सबका अपना अपना अंदाज़ आ जाता है कि नहीं, कोई ख्याल को अच्छे से खिलाता है तो कोई विस्तार पर ज़्यादा काम करता है, कोई विलंबित ज़्यादा गाता है, तो कोई मध्य विलंबित गाता है, तो कोई मध्य गाता है, तो कोई द्रुत ज़्यादा गाता है, कोई टप ख्यालों में या टप रचनाओं को प्रेफर करता है. तो सबका अपना अपना है, वो करने पे मालूम चलता है. यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब को देखिए, उनका तबला सबसे अलग क्यों सुनाई देता है, बिकॉज ही वेस्टर्न भी मिलाते हैं वो उसमें, कि वेस्टर्न इस्तेमाल भी करते हैं, क्लासिकल का भी पूर्ण नॉलेज है. आप उनका देखिए, पंडित सुरेश तलवलकर जी का, इतने महान तबला वादक हैं, हाउ ही डज दैट, है ना, वो वोकल को ख्याल गायकी को मिला के वो कुछ उसमें नया करते हैं. तो आप सीखना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है, तब जाके फ्यूजन करके ही आपका अपना कुछ नया निकल के आता है ना. अगर आप वो देखेंगे, तलत अजीज़ साहब को देखेंगे, तो उन्होंने जगजीत साहब का काफ़ी अंदाज़ को संभाला और आगे अपने अपनी आवाज़ बनाई. तो अपनी आवाज़ जो कहते हैं कि अपनी आवाज़ कैसे बनेगी, तो रियाज़ करने से बनेगी ना, क्लासिकल सीखने से बनेगी. किसी और को गाने से आपकी अपनी आवाज़ नहीं बनती, उसकी आवाज़ आपके गले में बैठती है. तो किसी और को गाने के बनिस्बत आप अगर शास्त्रीय संगीत सीखें, तो आपकी अपनी आवाज़ बनती है, तो आपकी अपनी गायकी बनती है. फिर आप समझते हैं, जैसे देखिएगा तो नौशाद साहब का स्टाइल था कि वो इंडियन क्लासिकल का इस्तेमाल करते थे फिल्मों में, फिल्मी गीतों में. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी करते थे, मगर उतना नहीं करते थे. मदन मोहन जी का स्टाइल बन गया था कि वो मिश्रण करके ही बनाते हैं, दो रागे मिश्रित करके वो गीत को बनाएंगे, कि अंतरे में अलग राग जाएगी और स्थाई में अलग जाएगी, मूर्छना का इस्तेमाल करते थे. तो कुछ ना कुछ आपको नया ऐड करना पड़ता है, तब आपका अपना स्टाइल बनता है, वरना तो सब वही चीज़ें सीख रहे हैं, सब वही रागे सीख रहे हैं, सब वही ख्याल सीख रहे हैं, तो नया कैसे बनेगा. नया तब बनता है जब आप कुछ उसमें अपना योगदान देते हो. जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं पोएट्री का ज़्यादा ख्याल रखता हूं, अच्छी पोएट्री का इस्तेमाल करूंगा. मैंने तबला सीखा है, तो मैं लय का इस्तेमाल करूंगा, ताल का इस्तेमाल करूंगा अपनी गायकी में, तो मेरी अपनी सिंगिंग स्टाइल बन गई. और अपनी सिंगिंग स्टाइल से पहले आपको प्रेफरेंस देनी होती है जिस स्टाइल को आप गा रहे हैं उसकी स्टाइल, ये मेन पॉइंट है जानने का. अगर आप ख्याल गा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं, मेरी गायकी ऐसी है तो मैं ख्याल भी ऐसे ही गाऊंगा, या मेरी गायकी ऐसी है तो मैं गाने भी ऐसे ही गाऊंगा, गज़ल भी ऐसे ही गाऊंगा. नहीं, आपकी स्टाइल पर नहीं, उसकी स्टाइल पर निर्भर करता है. आप बोले कि नहीं, मेरी तो वेस्टर्न एक्सेंट है, अब मैं वेस्टर्न एक्सेंट में गज़ल गाऊंगा, तो फिर उसके साथ थोड़ी इनजस्टिस हो जाती है. भले ही वो ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा लगता हो, कुछ नहीं लगता हो, है ना. आप बोले नहीं, मेरी तो ख्याल गायकी है, तो मैं तो लंबी लंबी ताने लेता हूं, तो मैं गज़लों में भी ताने लूंगा, तो वो नहीं चलता ना. गज़ल में नहीं ली जाती ताने, उसका जॉनर नहीं है वैसा, है, या फिल्मी में वैसा गाएं. तो वो है कि अपना सिंगिंग स्टाइल डेवलप करने के लिए यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, एंड बिफोर एक्सप्लोरिंग यू नीड टू लर्न. आपको सीखनी पड़ती है विभिन्न चीज़ें. आपको वेस्टर्न भी सीखना पड़ेगा, क्लासिकल भी सीखना पड़ेगा, कर्नाटक भी सीखना पड़ेगा, तबला भी सीखना पड़ेगा, डांस भी सीखना पड़ेगा, हर चीज़ सीखनी पड़ेगी. थोड़ा थोड़ा सब जगह से लेकर कुछ नया बनता है. दैट इज़ हाउ यू क्रिएट अ न्यू रेसिपी ना. अगर आप बोलते हो कि मैंने वड़ा पाव में कुछ नया बनाया है, हैं, अब मैं वड़ा और पाव में कुछ नया मिलाऊं, तो ये देखिए मेरी नई डिश हो गई. तो कम्प्लीटली न्यू बहुत मुश्किल है कि कुछ बनता हो. ज़्यादातर यही होता है कि फ्यूजन करके कुछ नया बनता है. सो दैट इज़ हाउ यू क्रिएट योर ओन स्टाइल एज वेल. आज अगर मैं गाऊंगा, तो मेरे अंदर मेरे पिताजी भी दिखेंगे, मेरे दादा गुरुजी भी दिखेंगे. हो सकता है दादा गुरुजी के अलावा जो रचनाएं मैंने गाई हैं, उनमें से कोई कलाकार दिखे, कोई फलां घराना दिखे, कोई फलां घराना दिखे, है ना. जिन जिनको मैं सुनता हूँ, शायद वो नज़र आए मेरी गायकी में, है कि नहीं. जैसे लोग ज़्यादातर कहते हैं मैं आमिर खान की तरह दिखता हूँ, मैं आमिर खान की तरह बोलता हूँ, आई डोंट नो हाउ, मुझे कभी भी रिजेंबल नहीं करता. लेकिन हो सकता है, जबकि मैंने आमिर खान साहब को उतना देखा सुना भी नहीं है, है ना, कि मैं उनके तरह दिखता हूँ या ज़्यादा बात करता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन लोग कहते हैं. तो समटाइम्स दैट ऑल्सो हैपन्स कि आपके
एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं अपना ओन स्टाइल डेवलप करने के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत को मेन आपने सीख लिया, उसके बाद आप वेस्टर्न भी सीखिए, आप कर्नाटक भी सीखिए, हर प्रकार का डिफरेंट जॉनर ऑफ म्यूज़िक सीखिए, आपका लोकल म्यूज़िक जो होता है, रीजनल म्यूज़िक है, उसको सीखिए, फिर देखिए आप खुद ब खुद एक नया कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे, है ना। इवन आप जब संगीत में आए हैं तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सिंगर बनने आए हैं तो आप सिंगर बनने के लिए ही बने हो। हो सकता है आप एक अच्छे लिरिक्स राइटर हो सकता है आप एक अच्छे कंपोजर हो सकता है आप एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो। एक्सप्लोर तो करिए खुद को, माइंड में तय क्यों कर लिया है कि नहीं मुझे तो यही करना है, मैं तो यही करूँगा। जो मैंने अभी हाल ही में एक कोट लिखा था ना कि हम अक्सर ये भूल करते हैं कि हमें लगता है कि हमारा जो सवाल है वो हमें उसी जगह मिलेगा जहाँ उस सवाल के दिए गए चुने गए शब्द हैं। अगर वो शब्द वहाँ नहीं मिलते हैं तो हमें लगता है यहाँ हमारा जवाब नहीं मिलेगा या इस सवाल का जवाब तो निरर्थक है, तो हम वो छोड़ देते हैं, हम अपने सवाल की खोज में लग जाते हैं कि मेरा सवाल कहाँ है, मेरा सवाल कहाँ है, यानी वो शब्द हमने याद कर रखे हैं। शब्दों को मत याद करो, सवाल का मूल समझो तो जवाब अपने आप मिल जाएंगे, और जवाब की जो संभावनाएं हैं उसे असीम कर दो, यानी वो कहीं से भी आ सकता है जवाब, है कि नहीं। जैसे मान लो ये टॉपिक आपने देखा वीडियो का, अब आपको लग रहा है ये आपका सवाल ही नहीं था, हो सकता है इसमें मैंने कई बात ऐसी बता दी हूँ जो आपके किसी सवाल का जवाब हो जो इस वीडियो का टाइटल नहीं है, है कि नहीं। इसीलिए सीमित मत करो जवाब की संभावनाओं को, संभावनाओं को असीम कर दो, है कि नहीं। तो उसी तरह से है, आप कुछ भी बन सकते हो, आप एक सिंगर हो सकते हो, आप एक वेस्टर्न सिंगर हो सकते हो। मैं अपने आप को कभी नहीं कहता मैं गज़ल सिंगर हूँ, भजन सिंगर हूँ, क्लासिकल सिंगर हूँ। मैंने क्लासिकल सीखा है, मूल मेरा वो है, अब मैं कुछ भी गा सकता हूँ, किसी भी प्रकार की गायकी कर सकता हूँ, वेस्टर्न भी सीख सकता हूँ, तो मुझे उसका अंदाज सीखना पड़ेगा। तो सिंगर का स्टाइल नहीं होता है, सिंगिंग स्टाइल होता है, जो जो चीज़ गा रहे हो उसका स्टाइल होता है कि गज़ल ऐसे गाई जाती है। अब गज़ल तो क्योंकि उर्दू पोएट्री है खाली, तो फिर तो उसमें आप गायकी बदल भी सकते हो, लेकिन ख्याल गायकी उसमें भी काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी संभावनाएं कि आप चीज़ें बदल सकते हो। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, गुरु संगत करनी पड़ती है, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ता है, अच्छी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। ठीक है, आई होप मैंने मदद करी हो, फिर भी कुछ चीज़ अगर रह गई हो तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें, कॉमेंट्स में लिख लें, तो मैं वहाँ पर पढ़कर कुछ इसके आगे का बनाने की कोशिश करूँगा, कुछ नया लाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।